यार नहीं आया, ईदाई मेरा यार नहीं आया। अली, we are on air, we are on air. Oh, मेरा यार मेरी तरह सस्ता हो सकता है, हो सकता है उसके पास किराया ना हो। मैं अपनी वजह से आप सबको इस पुरमसरत मौके पे सैड नहीं करना चाहता। मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और मेरे साथ हैं फिजा जमाल, और हमारी तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा ईद मुबारक हो। हमारे साथ मेहमान तो हैं फरा और मतीन, आप इनको जानते हैं, हमारी आप फैमिली का हिस्सा है। पूरा रमजान इन्होंने बरकतें बांटी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त किया आपस में वक्त गुजार रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, वाकई बर्दाश्त किया। हाँ, मगर एक मिनट, इससे आगे जाने से पहले अली, पहले आप लोग हमारी तो दादे, हम लोग कैसे फॉर्म में आके कैमरा देखते ही हम लोग एक्शन में आए, सब हम प्रो होते जा रहे हैं ना। तो बात ये है कि हम जो एक रिवायती इंट्रोडक्शन होता है वो तो हम करवा देंगे, उसके बाद मजे का इंट्रोडक्शन हम इनसे खुद लेंगे। हमारे साथ फराह हाशमी है, फराह हाशमी फैशन ग्रेजुएट है, वीजे है, मल्टीफैसेटेड है, और इसके अलावा मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है क्योंकि ये मेंस वेयर डिजाइनर भी है। मतीन साहब का हम क्या इंट्रोडक्शन कराएं, कोई काम ऐसा नहीं है मीडिया में जो ये नहीं कर चुके, और अब तो ईद शो पे भी आ गए। प्लॉट नहीं लिया मैंने मीडिया में, प्लॉट लिए लोगों ने, मैंने प्लॉट नहीं लिया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो पैसे कहीं मुश्तहिर नहीं हुए, तो मैंने ये काम नहीं किया। ये करना है टीवी पे, ये अभी कर रहे हैं लेना है। मीडिया में साल गुजारने के बाद आप सीनियर हुए हैं या सिर्फ चैनल हॉपिंग करके सीनियर हो? दोनों। वाह, दोनों। तो ये मैं आपसे टिप्स लूंगा बाद में, एतराफ दोनों। अच्छा, एक चीज इससे पहले कि आप लोग शुरू हो, हम चाहते हैं कि एक अंपायर को भी आपके साथ बिठा दिया जाए जो कि फैसला कर सके कि आप में से कौन ज्यादा सच बोल रहा है। तो इंट्रोडक्शन कराना बनता तो बिल्कुल भी नहीं है, सखावत अली नाज। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी को चारों सूबों की जंजीर किसी दौर में कहा जाता था, ये जो इंट्रोडक्शन में ही आपने चारों सूबों का रक्स पेश करके जी जो आप तो एक नई जंजीर बन गए। बड़ी मेहरबानी जी, रक्स को आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, ये जंजीर नहीं है, जंजीरों से आजाद थे इस वक्त जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और हमारे चाहने वालों को ईद की खुशियां मुबारक, और अल्लाह मियां करे के ऐसी हजारा हाँ ईदें देखने इन सबको हमें भी नसीब हो। सखावत भाई के बारे में एक बात करती जाऊं, बैक स्टेज में जब हम बात कर रहे थे तो हम दोनों को पता चला, खैर इनका तो सबको पता ही है, मगर हम दोनों को पता चला कि हम दोनों फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। यस, क्योंकि मेरे भाई निकले फैसलाबाद, ये दूर के नजदीक के हैं फैसलाबाद इतना बड़ा नहीं है माई मिस्टेक, तो हम लोग तो एक ही जगह एक ही शहर के लोग हैं। पाकिस्तान हमारा सारा एक है, हम सब को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप तो बेहतर समझते हैं, रमजान आपने कितनी सी ट्रांसमिशन की है, और आप भी साथ हैं। आप ये देखें कि जैसे ही ईद आई है चैनल ने इनको शैतानों के आगे बिठा दिया कि वापस हमारी रेपो कुछ ऐसी हो गई, आप सारे आजाद हैं। अच्छा देखिए, आप खुद माने। हाँ जी, मैं फिजा की बात कर रहा था। सखावत भाई, आप पे अभी हम आएंगे, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका एक रिवायती तारुफ बनता है और सबको बताना बनता है कि आप चीज क्या है असल में। जी जी, मैं बहुत सीनियर हूँ, उस वक्त तो टीवी भी नहीं आया था जब मैं काम करता था। इससे पहले कि हम आपके साथ शुरू करें, पहले जी फरा और मतीन भाई, आप दोनों पे आएंगे हम लोग, मैं चाहती हूँ, हम दोनों चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का ऐसे तारुफ करें जिसमें तारीफें ना हो, और वही ना बातें हो कि जी ये एंकर हैं, ये मैं हूँ, ये नहीं। आप शो में फड्डा करवाना चाहती हैं? नहीं, मेरी गारंटी है कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। पर आप पहले आप प्लीज मतीन भाई का फड्डा भी हो जाए तो मैं तो माइंड नहीं करता। मैं भी नहीं करता। वैसे होता फिजा ये है कि जब आप स्क्रीन पे आते हो ना, तो जो हमारे व्यूअर्स उनको लग रहा होता है कि बड़ी केमिस्ट्री है दो होस्ट के बीच में, बट उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो स्क्रीन टाइम की एक जंग होती है। ठीक है, ही इज द पर्सन जो टाइम देता है, ही इज द वन के
तुम करो, तुम इंट्रो लो, तुम एक्स्ट्रो दो. सो मेरे पास इनकी सिर्फ एक ही, मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगती, वो ये कि वो जुगते बहुत मारते हैं. अभी भी उन्होंने मेरे हेयर डू का बहुत ही बुरी तरीके से सबके सामने जुगते लगाते हैं. मैं बता देता हूँ, मेकअप रूम में ये जो बाल आपको इस वक्त खुले हुए स्टील वूल जैसे लग रहे, ये स्टील वूल जैसे बाल जो थे मेकअप रूम में ना, जिनकी चुटियां छोटी छोटी बनी हुई थी, तो मैंने कहा कि क्रिस गेल के बाल लग रहे थे मेकअप रूम में. सर सखावत साहब, मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने कोई काम मीडिया में ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो. अब ये हमारे रोजगार पे भी किसी दिन आके दांत मारेंगे. मैं वही देख रहा हूँ, जूते लगा रहे हैं भाईजान, हमारी रोजी तो रहने दे प्लीज. आप दूसरा इतनी शकील उर्दू बोलते हैं, इतनी शकील उर्दू में जुगत कैसी महसूस भाईजान. ये मतलब कोई मीडिया में काम छोड़ दिया, ये तो हमारी दुकान बंद करवा रहे हैं, हमारी खुली कर रहे हैं. ये तो बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, एंकरी भी करते हैं, ये प्रेशर कुकरों के रबड़ भी बदल लेते हैं, और उसके अलावा सुई गैस के चूल्हों के बटन भी ठीक कर लेते हैं. कई एक मरतबा तो भूल गए थे, साफ अंदर ही रह गया, फिर वो अचानक फिर वो निकला. फरा का सबसे अच्छा तारुफ ये है कि मेरी बेटी नर्सरी में, वो एक रोज सेट पर आई, तो उसने जब हम लोग वापस जा रहे थे तो वो उसी गाड़ी में गई जिसमें फरा जा रही थी. मुझे यहाँ पर रुकना था इफ्तार ट्रांसमिशन के लिए, तो उसने घर जाके बताया, मामा ने उसे पूछा कि कैसे आई हो, तो कहने लगी मैं रिकॉर्डिंग आंटी के साथ आई हूँ. रिकॉर्डिंग आंटी मेरे साथ, फरा का नाम रिकॉर्डिंग आंटी रख दिया था उसने. She's so cute, माशाल्लाह. माशाल्लाह. अच्छा वैसे फरा, मुझे आपकी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, जो मर्जी बोले आप बहुत हसीन लग रही हैं, आपका जोड़ा, आपका मेकअप, आपके बाल, इनके बाल जिस तरह बने हैं ना, आई विल से बहुत स्मार्ट काम किया, क्योंकि हम खवातीन को पता है कितनी कमाल है, लगती है बालों पे. ये कमाल है कि किस महारत से खवातीन एक दूसरे के बारे में झूठ बोल लेती हैं. ये कमाल है. और हम लोग एक दूसरे को, हम एक दूसरे को आराम से कह रहे थे ना, नहीं यार ये ऊपर क्या हम कर रहे थे, ये ठीक नहीं लग रहे, ईद के नहीं लग रहे, लग रहे आप तो ऐसे ही उठ के आ गए. देखे ना आराम से कर लेंगे. मैं लिए बाल देख के सोच रहा था इनसे ना एफएम के सिग्नल्स कैच होते नहीं होते. लेकिन तारिक साहब आप भी उन्हीं मर्दों में शामिल होते हैं कि औरतें सचती हैं, सवरती हैं कि एक तारीफ मिल जाए, सच्ची तारीफ मिल जाए, लेकिन उसमें भी कंजूसी कर देते हैं. तो कंजूसी क्या करनी, दो घंटे से बैठे वेट कर रहे हैं तारीफ करनी हो घर पे, उसकी मैं तारीफ कर देता हूँ शो में अंदर. इसका मतलब उस औरत की मैं तारीफ कर खवातीन का है बनना सवरना तैयार होना, मतलब बंदा तैयार होके भी क्या कर लेगा. हाँ. देखिए वो कहते हैं खातून जब मुंह धोए तो समझो अब कहीं नहीं जाएगी. हाँ. बंदा मुंह धोए तो इसका मतलब अब कहीं जाएगा. हाँ, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां. हाँ. बाल कटाऊं किसके लिए. सखावत भाई, 12 साल की उम्र में आपने स्टेज पे अपने कमर्शियल प्लेस करने शुरू कर दिए थे, और मैं तब से ही फॉलो कर रहा हूँ. और मुझे जो सबसे ज्यादा शिकायत है ना, वो ये है कि आपने भी अपना ब्रांड शुरू कर लिया, आपने भी बंदों के कपड़े बनाने शुरू कर दिए, मुझे आज तक कुर्ता नसीब नहीं हुआ. नहीं, मैं बंदों के बनाता हूँ. आप तो एंकर है भाईजान, आपके लिए तो स्पेशल बनेगा. आप फरिश्ते, 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 वो फरिश्ते जो निकाल दिए गए थे. ये कह रहे थे ना कि मर्दों में इतने नखरे नहीं होते कपड़ों को लेके. ये साहब जो है इन्होंने 3-4 वेस्टकोट ट्राई की है पीछे. बात पता है क्या, मेरे पास इस दफा पैसे ही नहीं थे कपड़े बनाने के ईद पे. ये तो अल्लाह की करनी हुई, शो मिल गया, ब्रांडेड कपड़े आ गए. उसके बाद आपको पता है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत भी आ जाती है. जब ब्रांड आया तो फिर मैंने 3-4 ट्राई भी करे. यहाँ देखिए नजाकत वैसे ही आ गई है. वैसे मर्द की ये प्रॉब्लम है कि उसको खुद ही खरीदने पड़ते हैं. नहीं नहीं, आज तो हमें स्पॉन्सर्ड मिले. मेरा मेरा जोड़ा जो आप देख रहे हैं इतना हसीन है, वो ज़ारा अहमद का स्पॉन्सर्ड है. और आपका? मैं वैसे ही हसीन हूँ. क्रेडिट नहीं देना चाह रहे ना तो भैया आपने बात की है, तो मैं जो अपना ब्रांड मैंने बनाया नाज मेंस वेयर के नाम से, उसको अभी रमजान में ही मैंने लॉन्च किया है. उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा भी रहा हूँ. सलवार कमीज बना रहा हूँ सिर्फ. तो आप मेरी शॉप पे आए, बल्कि आपकी अपनी शॉप है, जितने जी चाहे फ्री में. फ्री में मतलब ये कि एडवांस फ्री में. तो खवातीन के कपड़े कब बनने शुरू? वो भी इंशाल्लाह जल्दी, ईद के बाद. वो भी बस फिर मैं भी पीछे बड़ी ईद पे. वो भी आपने ईद वाला सीजन तो मिस कर दिया. वो मर्दों का लगाया है, खवातीन वाला तो फिर भी लग ही जाएगा. ये जो बुटीक है ये फैसलाबाद में भी है और लाहौर में भी कई ब्रांचेस हैं. तो आपके यहाँ फैसलाबाद में जो इतने टिप टॉप स्पिक एंड स्पैन हम लोग तैयार हुए फिर होते हैं, आप वो लाहौरियों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, फैसलाबाद एक जरखेज मट्टी है हमारी, वहाँ पे फनकार भी बहुत अच्छा होता है और कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है. अल्लाह का कोई खास करम है. वैसे फैसलाबाद की बात सबको मशहूर है कि जुगत उनका कौमी खेल है. मुझे बड़ी उम्मीद है कि फैसलाबादी कपड़ा पहनने के बाद कोई बंदा कूड़ नहीं रहता.
यही बात ठीक है, वो कपड़ा खुद ही सिखा देता है। हुण तुसी जो सूट पाओगे, सूट ने तुहानू कहना बड़ी खट मिठी जुत्ती पाई है। अच्छा फिर 1991 में, back to the topic, 91 में मैंने पहला अपना स्टेज ड्रामा किया फैसलाबाद में। उस वक्त तो मट्टी का स्टेज होता था, खुद ही बना के वहाँ पे ड्रामे किया करते थे। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान हॉल बना हुआ है, नुसरत फतेह अली साहब के नाम पे बना। अच्छा, ये सीरियस था, समझदार शुरू हो गया, ये सीरियस सच्ची बात कर रहा हूं। वहाँ पे वो इसी तरह होता था, आर्ट्स काउंसिल था, हालांकि आर्ट्स काउंसिल में वो ड्रामे किया करते थे। 91 में मैंने कमर्शियल अपना ड्रामा स्टार्ट किया जिसका नाम था अपने हुए पराए। उस वक्त इसी तरह के नाम चलते थे, अब तो कुछ और हो गया। उस वक्त वो जो स्टेज सही स्टेज होता था वो किया करते थे, ड्रामा भी होता था, कॉमेडी भी होती थी, एक मैसेज भी होता था जाते हुए जो लोग अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर कॉमेडी ज्यादा हो गई, फिर कॉमेडी वर्ल्ड कप के जरिए ज्यादा बढ़ गई, ऑनगोइंग। ठीक है, वहां से स्टार्ट किया, वहां से लेकर आज तक रमजान और मुहर्रम के अलावा कोई नाइट ऐसी होगी जो हमारी थिएटर पे नहीं गुजरती पब्लिक के सामने, अल्लाह का कोई खास करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, आप तीनों से ना अब एक एक सवाल करते हैं, एक ही सवाल है तीनों से, जिसका मर्जी। चलें मतीन भाई आप पहले जवाब देंगे कि ऑन कैमरा सबसे एम्बैरेसिंग जो आपके साथ चीज हुई वो क्या हुई? और ये प्लीज आपने हमसे वापस नहीं पूछी, हमारा रोज का काम है, लिस्ट होगी ना। हमारी भी बारी आएगी, चलो चलो आ जाएगी, हमारी भी आ जाएगी। नहीं, इस वक्त आप पूछने वालों में एक ऑलमोस्ट बचाते बचाते भी बर्फ एक डकार सी जो है वो ऑलमोस्ट निकल गई थी। ये मेरे करियर का दूसरा चैनल था, मुझे स्क्रीन पर आए को 5 साल हुए थे। और अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं साल में कोई एक आध बार होता है मौका कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता, और मैंने उस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक पी रखी थी और बड़ा बुरा हुआ था और लाइव था तो वो रिवर्स भी नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं हो सकता उसका, तो वो चली गई थी ऑन एयर। तो उसके बाद फिर आपने नट लगवा लिया था? नहीं, उसके बाद एक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो छोड़ दी। पर आप अपनी बताएं। यार मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे यौन आ गई थी और यही हमारे सह ट्रांसमिशन में, और जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने नोट कर ली थी, उन्होंने डांटा था बकायदा बड़े प्यार से। तीसरी दफा है अब आपने ये किया तो मैं आपको क्वेश्चन मारूं। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कहा बेटे अब आपने ये किया, तीसरी दफा आपने किया है। क्योंकि किसी को यौन करता हुआ देख के आप खुद भी स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, वैसे भी यौन अब्राहम याद आ जाता है। अच्छा चलो, अरे सखावत साहब आपने एक नहीं सुनाना क्योंकि आप मेरे पास बहुत है। असल में हम थिएटर किया करते थे रात को 9 बजे शो का टाइम, मतलब 10:30 ड्रामा चलता था तो 9 बजे हम उठ जाते थे रात को, यानी दिन में जागते रहना है, सुबह के टाइम सोना है, फिर 9 बजे उठ के रेडी होके हमने थिएटर पे पहुंचना होता था। तो स्टूडियो में रात को बैठे हुए घर आ गया 3-4 बजे, तो मैंने कहा अब सोते हैं, चलो टाइम काफ़ी है, तो मैं सो गया। अचानक मेरी आंख खुली तो सामने घड़ी लगी हुई थी, उस पर तो मैंने देखा तो मैं क्या 9:15 हो गए यार, ये तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं उठा हूँ, वॉशरूम गया, तैयारी की, नहाया, कपड़े पहने, बाहर कपड़े पहन के जब मैं बाहर निकला तो धूप निकली हुई है। वो सुबह के 9 बजे थे, मैं रात वाले समझ के तैयार हो गया। हमारे हम सबके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ एक बड़ा मजेदार स्क्रीन पे इंसिडेंट हुआ। उनकी टेबल होती थी सामने, उनके ग्लास टॉप और वो स्क्वायर था, वो उस पर ना अक्सर ऐसे करके बैठ जाते थे, चश्मा अपना, उनकी आंख। अब मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा कि वो कौन है, यूं होता था और इस तरह से सवाल करते थे। एक रोज क्या हुआ कि अतीका ओढ़ो साहिबा उस चैनल पे एक शो करती थी, यहाँ का ग्लास टॉप वहां चला गया, वहां का ग्लास टॉप यहाँ गया, ये यूं ही बैठे, वो कट था, कर्व था उसमें, और यूं इन्होंने किया, चेयर की एज पे बैठते थे, खड़ा नीचे गिरे। बुजुर्ग सहाफी अपने वक्त में ना, ये ऑनलाइन के नाम से शो होता था, सबसे बड़ा शो था मुशरफ दौर में, गिरे और गिरते ही ना सफदर अब्बासी साहब जिनके शो में बैठे थे, तो सफदर अब्बासी साहब 1985 में आपकी जमात का स्टांस था वगैरह वगैरह, और धड़ाम करके नीचे गिरे, और जैसे ही गिरे माइक था आवाज ही धुम, तो सफदर अब्बासी साहब ने यू करके देखा, कैमरामैन प्रोड्यूसर ने कट कर दिया, सफदर अब्बासी नीचे देखे, अब नीचे उनके आप जवाब दें, आप जवाब दें, आप जवाब दें, और सफदर जी का हमारी जमात का जो स्टांस था ना उस वक्त उसमें बात नहीं थी, उन्होंने जवाब दिया। प्रोड्यूसर को बैकग्राउंड स्कोर भी दे देना चाहिए था कि मुझे तुम नजर से
गिरा तो रहे हो, गिरा तो चुके हो। अच्छा इन उठाना भी चाहो तो उठाना इनका नाम हम आपसे ब्रेक में पूछेंगे। वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, जाना कहीं नहीं है, वापस यहीं आना है। जाना कितने बारह तो सिताले लाए। वेलकम बैक। और अब फिजा हमारे मेहमानों को मुश्किल में डालने लगी। मतलब ईदी मांगने लगी। ओ, वो मुश्किल क्यों है? एक मिनट मेरी बात सुनो। जी जी। आप माशाल्लाह इतने बड़े कॉमेडियन, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, आपने पता नहीं कौन कौन सा शो नहीं कर छोड़ा, बड़े से बड़े चैनल में बड़े से बड़ा शो कर छोड़ा, अब तो आपकी अपनी बुटीक भी है, आप अपने कपड़े पहन रहे हैं। उसके कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। यार मेरे अल्लाह, ये डाकू शो ना देख रहे हो। अच्छा नहीं, वैसे सच्ची बताएं, आप माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नामवर शोज का हिस्सा रह चुके हैं, मतलब आपने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी क्योंकि और किस पे बैठ सके, आपने सारी कुर्सियां मल के रखी हैं हर शो की। ये कोई अल्लाह का, आपको लोग भी देखना पसंद करते हैं, तो बताइए अल्लाह का करम है। अपने चाहने वालों, मेरे चाहने वालों की मोहब्बत है जो मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है ना जो, वो आफताब इकबाल साहब को जाता है। मैं समझता हूँ थिएटर हम करते थे, फिल्म करते थे, लेकिन वो कुछ और बात थी। ये जो मतलब मीडिया है टेलीविजन का, ये और चीज थी। इसमें जो निखार लाने वाले हैं वो आफताब इकबाल साहब हैं। मैं उनको दुआएं भी देता हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं जिन्होंने इस दुनिया से उठा के मुझे उस दुनिया में ले आए। पहला जो हमने उनके साथ जो शो किया था वही मेरी पहचान बना, और उस काम में ज़्यादातर निखार जो था वो आफताब इकबाल साहब है, क्योंकि वो अपनी चॉइस से काम करवाते थे। मैं भी पर्सनली भी बहुत मशहूर हूँ उनकी, और हम सब आप न्यूज़ पे जो हम आप मीडिया नेटवर्क की जो सारी फैमिली है वो सब उनके बहुत मशहूर हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छे मेंटोर हैं। मूछें भी उन्होंने रखी हुई है, चाइना दे अनिल कपूर लग देने। ये आप कह रहे हो? नहीं, हमारे तो बड़े हैं तो उनसे मोहब्बत भी हमारी चलती है। बिल्कुल। आफताब इकबाल साहब वो है, पढ़ी लिखी बात भी कर लेते हैं, ट्रक नु मोड़ा भी दे लेते हैं। अब अगर हम आए फराह हाशमी आपकी तरफ, आपसे बात करने का मौका मिला, टीवी पे तो आप आती रहती हैं, आपकी अपीयरेंसेस काफी नॉर्मल हो गई हैं अब, और उसके अलावा आप डिजाइनर भी हैं, अब आप जो है एक्टिंग में भी आ गई हैं, आपके प्लेज इस वक्त भी एक प्ले चल रहा है आपका। ऐसा होता है ये कि कहते ना कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करो फिर अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, तो एजुकेशन ले ली, फिर मैंने सोचा कि यार जिंदगी एक ही मिली है, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर एक ही जगह कुएं के मेंढक बन जाके रह जाते हैं ना। तो ये था कि यार जो चीजें आती थी मैं ट्राई करती थी। तो यार आपने सही कहा कि अब मेरा एक प्ले, तीसरा मेरा प्ले है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सरमद कुसर जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो आप एक स्टेप ऊपर ऊपर जाते हो। मेरी भी सिफारिश करें। डन। आपकी क्या लगा? जब मैं स्टार बन जाऊंगा। आप स्टार हैं जनाब। सितारों की रोशनी। वो उस दिन ना मैं एक सवाल करी थी अपने अपने जो मेरे बॉस है उनसे, सवाल कर रही थी मैं कि मुझे बताएं कि जब मैं मशहूर हो जाऊंगी क्या आप मुझे भूलेंगे? ये तो उल्टा होना चाहिए ना। हम्बल हो रही थी ना, हम्बल। चले इसी बात पे गेम है, शुरू करते हैं। क्या मुसीबत में डाल दें इनको, हमने क्यों बुलाया? अच्छा, क्योंकि हमारे बीच में जी एक एक्ट्रेस बैठी हुई है जो अली को भी एक्टर बना देंगी। तो पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर कोई एक्टर हमारा मिनिस्टर होता और उसने कौम को बताना होता कि जी इतनी मेहनत और इतने खर्चे के बावजूद भी हमारा तेल, मतलब जो ऑयल निकलना था वो नहीं निकला। वैसे तो हमारा निकला है तेल, लेकिन तेल बहुत निकला है, जो समुद्र वाला है वो नहीं निकला। मुल्क में से नहीं निकला। मैं बता दो, आप मीरा की आवाज में बताएं जी तेल नहीं निकल रहा हमारे। वैसे तो मैं अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट सॉरी। नहीं, उनको ट्रिब्यूट ही पेश कर रहे हैं ये भी। जी नाज़रीन, मैं हूँ मीरा, और मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि यू नो इट्स रियली सैड टू टेल यू दैट कि हमारा जो तेल है ना वो निकलते निकलते निकल रहा है। लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट अ बिग इशू, ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल दैट, जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड्स। My film is going to be super duper hit na, then tel nikal jayega. That's my promise. You can guys watch my movie Baji. और कोई सवाल है तो नवीद से पूछ लीजिएगा, अगला सिनेरियो दें। नवीद अच्छा था। अच्छा मतीन भाई, आपके लिए एक सिनेरियो ला रही हूँ। कभी ना हमने अपने मोबाइल नेटवर्क के कॉल सेंटर्स पर कॉल की नहीं है किसी भी मसले की वजह से, कुछ करने की वजह से, मगर आगे से या जो कॉल सेंटर पे बैठा है वो इरिटेटिंग निकल जाता है, अगर आप कॉल सेंटर पे हो तो कभी कभार जो ग्राहक है वो इरिटेटिंग निकल जाता है। तो ऐसी एक फोन कॉल कॉन्वर्सेशन आप करके दिखाएं, आप बने कॉलर और आप बने कॉल सेंटर वाले,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखिए जी, मैं इधर गुलबर्ग से बोल रहा हूँ। मेरे घर में जो इंटरनेट आपने लगाया वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा काफी दिनों आप से। आप इस डिवाइस के सामने? जी जी बिल्कुल। आपकी DSL लाइट ऑन है? बिल्कुल ऑन है जी। और आपको अपने इस पर डिवाइस पे कितनी लाइट्स नजर आ रही हैं? ये 2-3 लगी हुई हैं। अच्छा, मैं इसे स्टेबल लाइट कौन सी मुझे बताएंगे? ये मैं वीडियो कॉल ना कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। मुझे बताएं, आपके पास पहली लाइट पावर लाइट है? हाँ हाँ बिल्कुल है। वो स्टेबल है? हाँ बिल्कुल है। ब्लिंक कौन सी लाइट कर रही है? दोनों कर रही है। दोनों ब्लिंक कर रही है? कर रही है। ठीक है, अब आप मेरे साथ कॉल पे ही रहिएगा। जी जी। और होल्ड पे रहें, मैं आपकी कॉल जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर रहा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया, वो आपका इश्यू रिजॉल्व करेंगे। जी जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। हेलो हेलो जी। जी सर, वो कॉल मैंने की हुई थी वो नहीं आप, आप अपना नंबर रिपीट करेंगे? 3555555355। आप मॉडेम के सामने कितनी लाइटें जल रही हैं? और इस सारे इंटरव्यू के बाद जी हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको 48 घंटे में आपका कर लेगा। 51 हो गए, अब 51 घंटे हो गए। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको 51 घंटे में रابطہ कर लेगा। ठीक है सर। अच्छा, 51 घंटे में, ठीक है, मैं तो उस वक्त तक लाइन पे रहूंगी। अच्छा, अब एक सवाल है जो सबसे है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, बस फौरन बताना है कि अगर आपको एकदम से पता चले कि आप अगले 3 मिनट के लिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं और मुल्क पाकिस्तान है जाहिर है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? NRO नहीं दूंगा मैं किसी को, NRO नहीं दूंगा मैं किसी को, नहीं छोड़ने लगा, और हम इनसे एक एक रुपया निकलवा के रहेंगे और किसी को NRO नहीं मिलेगा। और मैं सबसे कहूंगी कि अगर कोई आपसे कहे कि प्लीज कॉम घबराना नहीं, तो प्लीज घबराइएगा। मैं क्या हूँ 3 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, कर्जा दे दो यार, दे दो जो ताड़ी जेब से दे दो, अल्लाह ने बहुत देना तुहानू, ताड़ी मेहरबानी, मेरे मुल्क का कुछ बन जाएगा, कटो यार वेले बैठे थे, कुछ जेबा हाथ मारो, कुछ ना कुछ तो होगा यार, मुल्क की मदद करो ना। मेरे लिए आप गाड़ी लेकर आई ना रेड कार्पेट के साथ, ये गाड़ियां बिठा कर लेकर जाइए प्राइम मिनिस्टर सर। देखिए उसके बाद मतलब 3 मिनट में तो यही हो सकता है, और क्या करूँ? आप क्या करेंगे? मैं अपनी एक्स को फोन करके कहूंगा कि तुम फर्स्ट लेडी बन सकती थी। खाली हुआ। ये तुमने क्या मिस किया? हो 3 मिनट कॉल ही ना मिले। अच्छा, अगर आपको फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ पिकनिक पे जाना पड़े तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? उनके साथ बंदा कहीं भी जाए, जहन्नुम है। उनके नाम में फिरदौस है, तो मतलब जहां भी आप उनके साथ जाएंगे फिरदौस होगी। फिरदौस तो होगी। जबरदस्त हो गया। फैसल वाउडा के साथ पिकनिक कहां जाएंगे मतीन भाई? फैसल वाउडा के साथ पिकनिक पे मैं क्यों जाऊं? मैं उनके साथ प्लेलैंड जाऊंगी। फैसल वाउडा के साथ प्लेलैंड, ऐसा क्यों? वो बस टाइम ही जाया करना है। तू यही है बोलने लगी। जबरदस्त। अच्छा सखावत भाई, आप बताएं, अगर आपने पिकनिक पे जाना हो कायम अली शाह के साथ, तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। जाहिर है फिर उनके साथ उधर ही टाइम निकल सकता है भाईजान, मतलब। अच्छा वैसे मैं देखता हूँ कि अक्सर बहुत ज्यादा मीडिया पे ये बात होती है कि साईं बहुत कदीम है, कोई इस चीज का जिक्र नहीं करता कि जब साईं पैदा हुए थे तो गुड़ती किसने दी थी? सर सरताज अजीज, ये सर तारीख के पन्ने फोलने कहीं पे मिलता ही नहीं है। पढ़कर बताएंगे ना कि जब वो मतलब उनकी शादी तब हुई थी, उस दौर में जब शादी का रिवाज, गुट्टी देने वाली चीजें इजाद नहीं हुई थी, वो डिसाइड नहीं हुआ था कि गुट्टी भी दी जाए, गुड़ मतलब मीठा बना ही नहीं था उस वक्त, शुगर नहीं थी। अच्छा तो वैसे तो हमारी बातें इतनी मीठी हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि आप ब्रेक लें और जाके कुछ मीठा खाएं, लेकिन बहरहाल क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हमें भी ऊपर से कह रहे हैं ब्रेक का, तो थोड़ी सी ब्रेक ले लें और वापस इधर ही आ। वेलकम बैक। हम जब ब्रेक में जाते हैं तो ठीक है कि ये एक मीठी ईद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खा के अपने आप को डायबिटीज करा लें। अच्छा जहाँ बात करें हम तब्दीली की, मुझे तो लगता है किसी हद तक अच्छे लिहाज में भी तब्दीली आई है, वो जाहिर है फोकस वहाँ पे करें ना करें वो अलग बात है, मगर आप तीनों से सवाल है। सखावत भाई पहले आपसे, जाहिर है कि आप बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है कोई पिछले 10 साल में या पिछले 20 सालों में, और ईदों में भी क्या तब्दीली आई है?
इलेक्ट्रॉनिक की तब्दीली आई है हमारे 10 साल में, बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ा है। जो कि देसी माहौल था वो ख़त्म हो गया, अब सब बटनों पे टीकों पे और वो मतलब आ गया, वो ये थोड़ी सी तेज़ी आ गई। वक्त आप खुद देखें कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। पहले किसी को मिलना होता था फ़ोन पे या इंतज़ार करते उसके ख़त का, उसका कोई उधर से बंदा आएगा वो बताएगा, या कोई इधर से जाएगा मैसेज लेकर वो उधर बताएगा, फिर मुलाकात होती थी, वो टाइम गुजरता नहीं था। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक के जरिए अपने वक्त को इतना फास्ट कर लिया कि खुद परेशान होना शुरू हो गए। यानी टाइम नहीं है किसी के पास। शादी ब्याह को देख ले, अब 10 बजते हैं हॉल वाला कहता बाहर निकलो, दूल्हे समेत में ताला ला देना जी निकलो। अंधेरा, फिर मतलब यही हमारा कल्चर था। शादी होती थी 8-8 दिन, 10-10 दिन मोहल्ले में घरों में रौनक रहती थी। हाँ नहीं, कोई ऐसी रौनक की जरूरत नहीं है। अगले दिन दफ्तर जाना होता है बिल्कुल 10 बजे के बाद। मैं तो कहता हूँ कि शांटा निकाल लेना चाहिए, चाबुक शांटा। तो ये तब्दीली आई पिछले 10 सालों में जो मैंने देखी है। अच्छा फरा, मेरा और तुम्हारा बचपन तो वो ये कल की बात है। हाँ कल की बात है अभी। ये कौन सा बचपन है जो कल की बात है? क्या ये सन 1900 की बात है? जैसे मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लगा, दोबारा कहिएगा प्लीज। मैं फरा आपको आपस की बात बताऊं, इनका और असद का शो आप जना पे एक ही छेड़ बनी हुई है कि ये लोग हो गए बूढ़े। तो अगर ये आपको और खुद को कह रहे हमारा बचपन कल गुजरा, ये कोई अच्छी बात नहीं है? आपको भी पॉइंट मारा है इन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारा है। आप ऐसा कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा। देखा हाँ, ये अभी आपके सवाल का जवाब है, ट्रस्ट सीखा है। ये देखो वो मतलब अभी आने मतलब लड़के हैं अभी, जुमा जुमा 40 साल तो हुए। अच्छा तो आप बताए कि क्या तब्दीली आई है जिंदगी में और ईदों में और पाकिस्तान में? पहले ये होता था कि 3 किस्म के ड्रेसेस होते थे हर दिन के लिए, और ऐसे सजे हुए होते थे साथ, मैचिंग चूड़ियाँ, मेहंदी, बाले। उस टाइम पे बिंदियों की भी शौक बच्चों को बहुत ज़्यादा होता था। अब ये कि मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन सोऊं, आराम करूं, और बस मेरे पास खाने आते रहें और मैं टेस्ट करती रहूं। सो सबसे बड़ा चेंज। अगर आप इससे हट के बात करें तो ऑफकोर्स हम कहते हैं कि माशरे को की सलाह करनी चाहिए, हम दूसरों पे पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन आई हैव लर्न कि आप खुद से स्टार्ट कर लो बस, और कुछ ना करो, दूसरों को ना बताओ कि आप गलत हो, आप खुद को ठीक कर लो। ये तो हमारा तो रोजगार ही खत्म हो जाएगा अगर हम दूसरों को बताना बंद कर दें। हम तो रोज 10 बजे शाम को प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बगैर उनके पूछे लेक्चर देते हैं यही बताने के लिए। तारिक भाई, ये पिछले कुछ अरसे में तब्दीली आई है कि हम बहसियत कौम बहुत बदतमीज हो गए, और सोशल मीडिया पे स्पेशली और ख़ास तौर पे ट्विटर पे कोई लिहाज नहीं। वो गालियाँ जो आपने नहीं सुन रखी, वो गालियाँ आपको ट्विटर पे और स्पेशली ट्विटर पे नहीं ईजाद कर रहे हैं ना, टॉलरेंस नहीं रही और जीरो। और इसमें जो हमारे सियासतदान हैं, दो बड़ी जमातें, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और बड़े भी जो है वो उनमें भी टॉलरेंस ख़त्म, और फिर उसके बाद उनके फॉलोअर्स में भी टॉलरेंस ख़त्म। तो गालियाँ, बेतहाशा गालियां, बदतमीज हुए हम, ये तब्दीली बड़ी बुरी आई है। मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है कि पहले उमामा आई है, फिर मुस्तफा आया है, उसके बाद रुतबा आई है, रुतबा आई है, उसके बाद आखिर में असबा आई है। असबा की बर्थडे पे हमने पहली बर्थडे पे लिखा था हैप्पी बर्थडे फुल स्टॉप। जहां आपने बात की है ना कि ट्विटर वगैरह पे हम बदतमीज हो गए, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक मजे की बात यह कि जो पार्टीज भी जो आपस में बदतमीजियां कर रही हैं, जो ये सेलिब्रिटीज और ये जो पब्लिक फिगर्स हैं ना, बेशक पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, एथलीट हो, पब्लिक फिगर होता है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, वो मुतासर कर सकता है लोगों को, उसका असर दूसरे लोगों पर हो सकता है। तो उसका जो रवैया बर्ताव होगा, इसमें कोई शक नहीं कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका भी रवैया उसके मुताबिक बदलेगा, कि वो कर सकता है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं। जाहिर उनको देखते हैं, उनको चाहते हैं, वो तो उसकी कॉपी करेंगे, वो जैसा बताएंगे वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसा करें। लेकिन हम अपने सेलिब्रिटीज को भी तो नहीं छोड़ते, हम उनको भी टारगेट करते हैं। शायद ये हमारी सोसाइटी की सबसे बदतरीन एग्जाम्पल है कि हम अपने सेलिब्रिटीज की भी इज्जत नहीं करते। ये भी है, इज्जत सबकी करें, तनकीद करना और बदतमीजी करना, गाली देना, इनमें ये बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आप बीच में जरा मौसीकी भी इन करते हैं, तो हम शुरू करते हैं तारिक भाई से,
दो बोल कुछ गुनगुना दें, फिर इस तरफ को मामला चलेगा। और सखावत भाई तो फिर बकायदा सिंगर है, अभी इतना जबरदस्त गाना सुनाया। अब अगर मैं पैरोडी सॉन्ग में सुनाऊंगा एक, बिल्कुल जैसे अब ईद पे सोने को दिल करता है, उसकी थोड़ी सी अकासी की हुई है वो सुनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन तारे भाई से शुरू करेंगे। तो जो कुछ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बर्दाश्त करना आपका काम है और नाजरीन का काम है। नहीं, हम आपके साथ एक घंटे से बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा बर्दाश्त, आपने बहुत ये देख रहे हैं आप नाजरीन, हम कौन सी साइड इनकी बाहर लेके आए हैं, ये होती है कामयाबी एक शो की। ये तमगा आपको दिया जाता है। थैंक यू। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आप देखें कि अब जब भी तारिक भाई को लोग टीवी पे खबरें पढ़ता हुआ सुनेंगे उनके जेहन में गाना आएगा, गाना आएगा तुम मेरा साथ मेरा। तारिक भाई ने तो रूह खींच ली, इतना खूबसूरत गाया है। तो अब मेरे ख्याल में फरा की तरफ चलते हैं। वो आपकी जैकेट खींच लेंगे। मैं देना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट हेट मी आफ्टर दैट। मैं थोड़ा सा गाऊंगी लेकिन उससे पहले एक शेर मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। हाँ, ये बात हुई, ये हो गया ना, ताकि वो बैलेंस हो जाए। मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार किए। इसके अलावा फिजा की फरमाइश पे, अल्लाह हेल्प मी। तुमसे मिला था प्यार तो कुछ अच्छे नसीब थे, हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। बस इसके बाद आप रिपीट पे लगा लीजिएगा। हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। करीब थे, अच्छा करीब थे, करीब थे, नजदीक वाला। हार तुम साथ गरीब भी थे, फिर मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं। जी चले सखावत भाई आपकी बारी। हालात जो जा रहे हैं ना, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ईद का त्यौहार है, जो मजदूर आदमी है हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में। लेकिन उनको कई लोग ऐसे ही ईद के दिन भी काम कर रहे होते, तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ये पैरोडी तैयार की है, तो पेश करता हूँ उनके पास जाके। सारे जग विच तुम पईयां खुशियां दे त्यौहार दियां, ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां, हो ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां। छपियां ने अखबारां दे विच मुश्किलां सरकार दियां, ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां, हो ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां। मता करवावांगा ईदां दे दे कटना जावा, फिकरा मैनू मार दियां, ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां, हो ईदां ते वी ने फिकरां है सानू कारोबार दियां।
ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸੂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਾਲਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਈਦਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਪੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ अब एक प्रोफेशनल गुलुकार हमारे पास एक और भी बैठे हैं अली आफताब जिनके गाने हिट भी हुए हैं जूनियर तजज़ियाकार सीनियर गुलुकार जबरदस्त तो ये महफिल जो है बिल्कुल ही नामुकम्मल है अगर आप एक गाना ना गाएं ये बात है हम मिलके गा लेते हैं पुरानी जींस नो गिटार मोहल्ले की वो छत और मेरे वो रातों को सुबह घर जाना भूखे ही बाहर मुझे तेरा गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा कॉलेज हमेशा ले वो कहना सर का Get out from the class वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ बस यादें 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 रह जाती हैं कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं नहीं ये बिल्कुल ठीक था मुझे धुन याद रह जाती है बोल भूल जाते हैं और कैसा कमाल रेस्क्यू किया हमारे मेहमानों ने कि जहाँ हम भूले हैं वहीं से उन्होंने गाने को उचक लिया और उसके बाद वापस में आने दिया जीत गए आप गाना अचक हो गया अच्छा अब बस अपनी ईद की जो है सबसे ईद के दिन का चले सोना तो है काफी मेनस्ट्रीम बातें सो रहे हैं मगर ईद के काफी दिन काफी मेनस्ट्रीम बातें सो रहे हैं हाँ मगर ईद के दिन आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए बेचैन होते हैं कि मतलब खुशी होती है कि वाह ईद के दिन ये मुकम्मल होगा सिवाय ईदी और सोने के सखावत वो दोस्तों से मिलना और वही जो अभी गाने में भी जिक्र हो रहा था वो यादें पुरानी यादें गली मोहल्ले चौक वो चौक बचपन में यहाँ पे खड़े होकर मतलब ईद को देखा करते थे अब उसी जगह पे खड़े होकर अच्छा उस वक्त वो गली बड़ी ना छोटी सी मतलब बड़ी लगती थी मतलब खुद छोटे थे गली बड़ी लगती थी अब वही गली में देखता हूँ कि ये छोटी होगी कि मैं बड़ा हो गया हूँ मैं तो फैसलाबाद जब जाता हूँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है पुरानी बस्ती सी बनी होती ना इस तरह का वो हमारा इलाका मोहल्ला है जिसमें एक गली है मतलब वो गली नहीं वो एक वेड़ा है घर का उसमें घर के आंटी भी बैठी हुई है पुप्पी दूसरे घर की बैठी उधर ताया बैठा हुआ उधर ये मेरे इलाके का जो माहौल है ना और वो रिश्तेदार और पुराने दोस्त तो नहीं फरमाइश करते कि हमें एंटरटेन करो अब आए हुए तो नहीं वो देखते रहते हैं एंटरटेन तो खैर वो मोहल्ला ही मेरा ऐसा है वो खुद मुझे एंटरटेन कर रहे होते हैं मतलब हर बंदा ही तो वहाँ पे जुगत करता है फैसलाबाद का इलाका ऐसा है रिक्शे वाले को एक बंदा कहने लगा भाई घंटाघर जाना है इस्लामिया कॉलेज के पास वो खड़ा था कहता घंटाघर जाना कितने पैसे कहता 100 रुपया कहता भाई ये 100 रुपया ज्यादा है तो घंटाघर है कहता वेखी हाथ ना ला दी पर आपको ईद के दिन शिद्दत से किस चीज का इंतजार होता है एक्चुअली अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे जो स्कॉलर आते थे वो कहते थे कि इट्स अ रिवॉर्ड कि आप पूरे महीने के जब रोज़े रखते हैं और स्पेशली गर्मियों के रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला रिवॉर्ड देता है तो एक तो वो अचीवमेंट होती है कि यार यू डिड इट उसके अलावा शीर खोरमे की जो मज़ा
ईद के शीर खुरमे में होता है वो नहीं मिलता आपको पूरे साल में। ज़ाहिर है वो फ्री मिलना होता है। अभी बैक स्टेज बनवाया है आपने, भी हम जाके वो भी खाएंगे। ये क्या कहा? बाखुदा बैक स्टेज अभी बनवा के रखा हमने, वो भी खाएंगे अभी हम जाके। तारिक भाई आप बताएं। अच्छा, इतनी ज्यादा मुख्तलिफ तरह की चीजें ना आम दिनों में कभी भी एक साथ नहीं होता कि तमाम दिन में खाई जाए। सुबह उठ के शीर खुरमा खाना है। मेरे घर में हमेशा होता है कि उसके बाद कीमा, तो वो कीमा बनेगा, फिर उसके बाद दोपहर का खाना, मिठाई भी है, फिर कुछ अगर लोग आ रहे हैं घर तो उनके लिए निमको और मुख्तलिफ चीज़ें, रिफ्रेशमेंट के आइटम्स हैं। इतनी ढेर और मुख्तलिफ चीज़ें खाई जाती हैं कि मुझे बड़ा इंतज़ार होता है कि उस दिन के अख्ताम पर इस जो स्टमक है वो अपसेट ना हो, लेकिन ये हमेशा होता है कि ये हो जाता है। लेकिन भाईजान जैसे बंदे ना अक्सर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि चेहरा ऐसा कि जैसे रजिया बंदा है। कोई सुलह नहीं मारता भाई, आप भी खा लो ना, क्योंकि फेस से लग रहा है ये बंदा रजिया। आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा, जिसकी वजह ये है कि तरु वाले दिन मेहमान आने होते हैं, जरूर आप लोगों के घर में आए होंगे और अब आपके बेहतर हिस्से उनकी खातिर मदारत कर रहे होंगे। आप यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं, आपको किसी को चाय पानी नहीं पूछना पड़ रहा। आपने हमें बचा लिया। नहीं पूछ रहा चाय पानी। अभी इतना खिला पिला के आप लोगों की गलत बात है, गलत बात है। मैं चाह रही हूँ कि इसके जो नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग के बाद और ज्यादा एहतमाम हो हमारे लिए। ये की ना एक्ट्रेस वाली बात, वाकई एक्ट्रेस ही है। प्रोड्यूसर साहब के लिए पैगाम था, फहीम साहब के लिए पैगाम। शुक्र है आप लोग वापस आ गए, मुझे डर ही लगा हुआ था, पहला ईद शो है ना मेरा। तो खैर, हमारे साथ हैं अब नए मेहमान मशल बुखारी। मशल बुखारी बेतहाशा करंट अफेयर के टॉक शोज करती हैं, उसके अलावा सिग्नेचर शोज करती रही हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में लेक्चर्स देती रही हैं, और इस दफ़ा आप फैमिली का हिस्सा थी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए। और फिज़ा आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आपकी तरह इन्होंने भी अपने करियर का आगाज न्यूज़ कास्टिंग से किया था। अरे वाह, इंग्लिश में? Not as such. It was an Urdu news. जबरदस्त जबरदस्त, ये न्यूज़ एंकर्स अच्छी अच्छी फील्ड है। नहीं नहीं, it is obviously. और इस पे क्या हाँ में हाँ मिलानी है, नहीं करना, हमने क्या करना है? आगाज तो इन्होंने इंग्लिश में किया था, फिर मुझे समझ नहीं आती थी, फिर मैंने कहा आप उर्दू में भी करें। जबरदस्त, फिर इनके लिए मैंने सोचा कि चले। थैंक यू। और हमारी दूसरी मेहमान है जो कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। सामिया खान है इनका नाम, और सब काफी लोग इनसे काफी वाकिफ होंगे। ये हमारी बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, फार्मिस्ट हैं, और साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हैं। कुछ किसने बताया? तो बस हम, हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं, हम कोई भी बात निकलवा लेते हैं। हाथ देखने के बगैर सारा कुछ बता देती हैं। हाँ, तो मैंने आपसे पूछने, इनकी आँखों में अल्ट्रासाउंड सिस्टम लगा हुआ है, देख के बता देती है। चेहरा देख के मेरे बारे में इन्होंने आज से चंद साल पहले जो बातें की थी, आपके लिए फिर एक सवाल है। ये देखिए ये चेहरा आपके सामने है, साफ सुथरा आदमी है। नहीं, गलत बातें करनी ना। मैं मोडेन शापर बनने हैं, वो साफ सुथरा मेरे तक की डस्टबिन है। बहुत मशहूर हूँ आपका। अली की जो आंखें ऐनक में से भी समझ में आ रही है ना, वाकई करा सकते। सामिया जी बस आप छोड़ दें, इनकी बहुत को बिना जाइएगा भाई जान, मुझे कहने लगे दुश्मन है मेरा। कहते साथ वाले घर में देखो, और लड़की रहती है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, मैंने ईंट निकाल ली दीवार में से, तो मैंने देखा इतनी बड़ी वाकई आंख नजर आई, फिर मैंने दूसरी ईंट निकाली, वो दो आंखें नजर आई, तीसरी निकाली उधर मज बनी हुई थी। उसकी इतनी इतनी आंखें थी, मैं इनके पीछे लग गया। बेचारी मजों की जिंदगी जितनी पाकिस्तान में खराब है ना, पूरी दुनिया में नहीं है, मतलब उनको किसी एक सेकंड का सुकून नहीं है, हर वक्त अपने ऊपर से मक्खियां उड़ाती रहती हैं, मतलब कितनी तकलीफ दे जिंदगी। तो भैया आप उन पे क्यों बैठते हैं? नहीं मतलब कि आप क्यों उन पे बैठने देते हैं मक्खियों को? ये देखें, वो अगर मुझे भी इंसान होती हैं, उनको शहर में से निकाल दिया यार जी, देखो ये बात बुरी, शहर देखने का हक है। जिंदगी में जरूरत होती है, क्योंकि हाँ। एक ने तारीफ की ना, दूसरा फौरन घसीट के जमीन पे लाते हैं, और इतनी ऊपर नहीं उड़ी। नहीं नहीं, अली भाई खूबसूरत आदमी है, बाहर स्विट्जरलैंड स्पेशली, आप सोचे भैंसों को इतनी इज्जत मिली हुई है कि सोविनियर्स है उनकी जो भैंसे, भैंसे डोली में आती और उनके लश ग्रीन कार्पेट्स पे वो ऐसे राज कर रही होती है, कसम से वहां पे जाके मज्जों को देखो, उनका स्टेटस ही चेंज है। सही, मैं तो होते थे मज्जा ना सेल्फियां बनाउंदा रहे। मैंने बाहर जाके परिंदों को बिल्लियों को डराने की कोशिश की है करके,
किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनके ना वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कोई ये हिस्सा ही नहीं है कि रहते भी तो इंसानों में ना, हाँ, पेट्स हैं। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हमें कोई एम ही बिला वजह वटा चुक के मार सकता है। डर नाम की चीज ही नहीं है, वो बिला पूछे हैं बिल्लियां किसी से दूध भी नहीं ना पींदी हैं। या फिर सराहने रख के सौ सुबह पी जाती है। आप ये सोचें उन सोसाइटीज के बारे में कि जहाँ जानवरों की इतनी केयर की जाती है, वहाँ इंसानों के साथ कैसे सलूक होता है। अच्छा, आपने बड़ी जुकते कर ली। अब आप ये बताएं कि वो जो आप गीत आप पिछली ब्रेक में गा रहे थे, एक तो वो पान मुझे पसंद आया, बीच में नाच वाला, किसके लिए गा रहे हैं? वो ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन है। अगर वो गाने के स्टार्ट में पूछते तो फिर मैं आपको सही सही बताता, लेकिन आप भी बताऊंगा। ये मैं अपनी बेगम के लिए गा रहा था। टिपिकल स्टेटमेंट। अब बाद में फड्डा पोड़ी औरत इनकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। चले बताना शुरू करें। मेरा हाथ देखा इन्होंने, मुझे कहती आज तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर खतरा है। अच्छा, मैं घर में बैठ गया तो घर में आग लग गई। लोग मुझे कहें बाहर आओ, मैं कहूँ नहीं बाहर खतरा, मैं नहीं निकलना। सारे कपड़े मेरे जल गए मैं बाहर, तो फिर मुझे कहने लगे आप कमेटी डालो, अगले हफ्ते तुम्हारी कमेटी निकल आएगी। मैंने कमेटी डाली, अगले हफ्ते वो अम्मा निकल गई जिसके पास कमेटी पड़ती थी। कितने फर्मा बरदार हैं आप तो। आस्तीन में छुपे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? शेर। अच्छा, एक बारी फिर आस्तीन के शेर। समिया, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग एक सेगमेंट शुरू करें, क्योंकि अब वर्ल्ड कप फीवर शुरू होने लगा है और आपको पता है कि पाकिस्तान में देखो जी, ये देखो मैं तलाक की पेशगोई की लोग माफी दे देंगे, खान साहब ने माफ कर दिया, रेहम खान ने माफ कर दिया, मैचेस की माफी नहीं मिलती, इतनी कॉम सेंसिटिव है मैच पे पैसे लगे होते हैं ना। और असद जो हमारे साथ आप जनाब बैठे थे, जितने ये जज्बाती है ना क्रिकेट को लेके, मैं आपको बता नहीं सकती, एक माहौल हो जाता है इनके साथ बैठना क्रिकेट की टॉपिक पे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के मैचेस की बात ही नहीं करते, हम वैसे एक सेगमेंट शुरू कर लेते हैं पंटर हजरात के लिए, उनको हम टिप्स दिया करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपसे हमने अभी पिछले मेहमानों से भी यही सवाल किया था, अभी हम आपसे भी सवाल करते हैं, आपसे भी करेंगे। आप भी काफी शोज में एक्सपर्ट की तरह से भी आई हुई, यहाँ पे भी एज एन एक्सपर्ट हमने आपको बुलाया हुआ है। ऑन कैमरा सबसे एम्बैरेसिंग चीज क्या हुई, अगर एक्टिंग करके भी दिखा सकें तो प्लीज। सबसे एम्बैरेसिंग चीज, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जरा कंट्रोल आ गया। मैं एक्सप्रेशंस के ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे मुझे अगर हंसी आ जाए किसी चीज के ऊपर तो बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल। थोड़ा सा हंस के दिखाएं फिर, हमें तो हंस के। मैं मुस्कुरा रही हूँ जब से बैठी हुई हूँ। तो वो ये था कि कुछ इस तरह की स्टोरीज थी, आई वाज डूइंग न्यूज बुलेटिन, शुरू की बात है मेरे करियर की। तो वो कुछ ऐसी स्टोरी थी कि जिस पर बेसाख्ता जो है वो आपको हंसी आ जाती है। मैं और मेरे को एंकर, हम दोनों ने हंसना शुरू किया और वो तकरीबन ऑन एयर हम कोई एक दो मिनट कोशिश की हमने बातों में उसको कवर करने की, लेकिन वो नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर ने ब्रेक ली, उसके बाद उसने कहा हमको 15 मिनट हंसते रहे उसके बाद भी। अच्छा, उसने कहा कि अब आप ठीक हैं, हम आ जाएं वापस। हम वापस आए, हमने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं, वापस आए एंड वी स्टार्टेड लाफिंग अगेन। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग था। एंड यू वर लाइव, वी वर लाइव। और उस वक्त कुछ याद है कि किस बारे में गुफ्तगू हो रही थी? वो कुछ ऐसी स्टोरी थी, पता नहीं हंसने वाली बात थी या नहीं, लेकिन उस वक्त पता नहीं हम दोनों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा वी वर फीलिंग लाइक दैट। वो तो मोटी भी थी। क्या था? होता है वो पीने का। भांग की बात कर रहे हैं, कह दें ऑन एयर कुछ नहीं होता, बोलते बोले भांग भांग होती ना, वो पीने तो जैसे बात पे सुई अटक जाए वही करता रहता है। अच्छा अच्छा, वो इसलिए मैंने कहा। माशाल्लाह आपने कपड़े भी वही पहने, सारे लाहौर के तोते रगड़ के सूट बनाया हुआ। हम आपको एक हद तक बचा सकते हैं सखावत भाई। नहीं नहीं, वो देखे हमारे कुलीग है, बड़े प्यारे साथी है। और ये सामिया जी, मुझे तो ये इजी लेता है ना। नहीं नहीं, हमारे, मैं आपकी अब तारीफ करने वाला था कि हमारे वो साथी हैं बड़े मोहब्बत वाले, बड़ा काम हमने इकट्ठा किया और जिस शो में भी हम मिलकर बैठते हैं तो माशाल्लाह दिल लग जाता है। बढ़ाई जाए शो। तो ये वो लोग हैं कि जिनके साथ आप थोड़ी देर भी बैठते हैं तो आपको दुनिया जहान की कोई टेंशन हो, कोई परेशानी वो दूर हो जाती है। और ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कि सदका जारिया, लोगों को खुश करना, लोगों को हंसाना, वरना हम जैसे हंसाना ज्यादा मुश्किल काम। मुझे सामिया जी ने कहा तेरे माथा दे के कह रहे तेरे पे सख्ती है, तू ना सदका दे। मैंने कहा जी क्या दूं? कहते आप चिड़िया छोड़ दो हाथ लगा के। मैं गया चिड़ियों वाले के पास, मैंने कहा 12 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दो। उसने 12 छोड़ी, मेरी जेब में से 10 के पैसे निकले।
सारी रात खड़े हो गए, दो चिड़िया पकड़ के वापस की। जहाँ हंसने हंसाने की बात है, आप काफी, आपने एक तो पीटीवी के भी शोज पे काम किए, एक शो का नाम तो ये था ये क्या है, ये क्या है? तो वो क्या था? वो एक मतलब जुल्फकार हैदर साहब थे, वो बाहर जाके ने जूबा सा रिकॉर्ड करके लाते थे, फिर वो क्वेश्चन के तौर पे उसको छोड़ते थे कि ये पब्लिक देख के हमें बताए कि ये क्या है, वो इसलिए उस शो का नाम ये रखा हुआ। जबरदस्त। आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत मुश्किल इसलिए है थिएटर की वजह से कि आप लोग, और अब खासतौर पे टीवी शोज भी जिस तरह के आप लोग करते हैं, लंबी लंबी रिकॉर्डिंग होती हैं जी, तो रातों को जागना और दिन में सोना बड़ा टैक्सिंग नहीं होता सेहत के लिए? सेहत खराब हो जाती है? बस अब चलता है इस तरह, मतलब मेजॉरिटी हमारे यहाँ इसी तरह से रातों को देर तक जागते हैं, जाग लोग देर तक सोते हैं, हालांकि नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। वैसे भी ऐसा ही करते हैं। इतनी बातें कर करके मैं तो थोड़ी सी थक गई हूँ, कोई ब्रेक श्रेक लेते हैं, पानी शानी पी के वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सामिया आपकी बारी है, आप कोई एम्बैरेसिंग बात बताएं जो ऑन एयर हुई हो। वैसे तो मेरा ख्याल है मेरे पे तो यूं अल्लाह का करम ही रहा, सिवाय एक बारी कि बस वो शाजिया मंजूर जी कुछ अच्छा सा गा रही थी, मेरा डांस जोर से निकल गया। अच्छा, और मुझे वो आज तक एम्बैरेसिंग लगता नहीं, है। अच्छा, वो डांस रोकना भी नहीं चाहिए, ये आगे जाके रोग बनता है। मुझे तो बकायदा फैंस जो बेचारे थे कंसर्न होते, आइंदा सामिया जी आपको कोई कहे भी तो आपने डांस नहीं करना। ओहो, मैं तो सोच रही थी आपको कह दिया जाएगा। वो शाजिया मंजूर जी का वो इतना मजे का गाना, वो बड़े जोश से गा रही, एमी उन्होंने मुझे उंगली बस वो इशारा किया और मैं जोश में आ गई। तो मुझे कभी कभी वो एम्बैरेसिंग लगता है कि वो दिस इज़ वेरी अनलाइक मी कि मुझे नहीं। हमारे साथ एक न्यूज़ एंकर थी, हम एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते थे, तो वो इतने मज़े की उनकी वो मुझे बात लगती है। एक तो हमारे जो कामरान खान, कितना बड़ा नाम है, तो ब्रेक पे जाते हुए कहते हैं मैं अभी आती हूँ ब्रेक के बाद। दूसरा एक हमारे साथ लाइव शो में होता है, हाँ, एक खातून थी तो वो कहती है कि सर्दी की अचानक आमद की वजह से कोयटा में लड़कियों की कीमत में इजाफा। लकड़ियों कहना ये इसी तरह हम थिएटर जब करते हैं ना तो वो तो सारा लाइव होता है। फिर आपने मुझे बाद में बताना है कि वो कौन थी। आपने मुझे बताया, ठीक है। लाइव शो चल रहा था, सुहेल अहमद साहब हमारे सीनियर मोस्ट फनकार है, लमी उनको और तरक्की दे इज्जत दे, उनके साथ हमें ड्रामा ही कर रहे, तो मैं उनका दोस्त बना हूँ, वाइटनर मैंने लगाया, ओल्ड बना हूँ, वो भी ओल्ड बने, उनकी चार पांच बेटियाँ दिखाई हैं, वो रोक रहे हैं जैसे माँ बाप होते कि बच्चे हमारे कहने पर शादी करें, जहाँ हम चाहते वहाँ करें। तो उसका मैटर ये था कि अब औलाद समझदार होगी, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, उनको इजाज़त दें कि वो जहाँ भी करें, वो नहीं करते तो वो वैंड पे मैं अब उनका दोस्त हूँ महबूब अलाई का, तो उनको मैंने फिक्रा देना लास्ट पे वैंड अप है, वो क्लाइमेक्स की लाइन चल रही है, उस पे वैंड अप होना, पे कल्टन चल जाना, पर्दा होना लास्ट, यानी कि मैसेज भी है लाइन भी है। तो वो मैं उनको कहता हूँ कि महबूब अलाई जे तेरी अखा तो पट्टी खोली गई है तो फिर हूँ धियां अपने वर लभन की इजाजत दे दे, माँ प्यो की रुकावट पाबंदी जी औलाद की जिंदगी खराब कर दिंदी है, ये मेरी लाइन थी। तो उस पे मैं फमल हुआ, ठीक है। मैं जब फिक्रा था ना महबूब लाई जे तेरिया अखा तो पट्टी खोली गई है, तो मैं महबूब लाई जे तेरिया पट्टा तो अखी खोली गई है। उसके बाद पूरी कास्ट मुझे नहीं पता किधर है, सेट पे मैं कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, सहेल में सब सीनियर फनकार है, उन्होंने खैर कवर कर लिया, उन्होंने अपनी लाइन पकड़ के बाकी मैटर बोलना शुरू कर दिया। तो जब बाहर निकले उनके सामने ही जा रहा। चलिए जी, अब मेरे ख्याल में हम ना एक गेम पे चलते हैं। हम कुछ आपको सिनेरियोस देंगे तो उसमें अगर आप फंस जाएं तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे या आप ऐसे मौके पे क्या करेंगे। तो हम मेरे ख्याल में शुरू करते हैं सबसे पहले मिशेल से, ताकि मैं सीखूंगी इनसे। मेरे ख्याल में आप वहां से शुरू करें ताकि हम दोनों सीख लें कुछ। मिशेल से ही शुरू करेंगे। पहला ये है कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर लिख रही हो और जो ही आप आखिरी लाइन लिखें सिस्टम ऑफ हो जाए और फाइल सेव भी ना हुई हो, तो पहला लफ्ज जुबान से क्या निकलेगा? पता नहीं क्या क्या निकलेगा। मैं ना ही कहूँ तो अगर वो लफ्ज
ऑन एयर नहीं जा सकता तो उसका कोई मुखफ्फफ बता दे, हम समझ जाएंगे। आप बता दें, हम उन पे टोन लगा देंगे। ये साउंड इफेक्ट है ना यहाँ। हाँ, लेटर्स बता दें कौन सा वाला। इंग्लिश में दूसरा और तीसरा। और पहला निकल आया था। पहले वाले बताने वाले थे। इट कैन बी यस। अच्छा, दूसरा पूछें आप। दूसरा, बल्कि मैं ना आपको भी अभी कुछ देर रखती हूँ, पहले मैं सखावत भाई से पूछूंगी। आप समझे, आप हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मीडिया पे आपने कॉम को ये बताना है, बोल के बताना है कि गैस ना कम हो गई है और इसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए तरीके आपने आवाम को बताने हैं। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बहुत जरूरी इत्तला लेकर आया हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और वो उसकी तादाद, उसकी मकदार हमारे पास कम हो रही है। मेरा इशारा गैस की तरफ है, गैस को रोकना है। गैस तो इतनी शॉर्ट हुई हो, किसी बंदे को हुई हो वो डरता हुआ साथ वाले को नहीं बताता कि वो कहता कि पैप लेके कितने मेरे द्वारा ही ना हो जाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गैस को जितना आप बचा सके बचा के रखें। अगर गैस हुई हो तरीका ये है कि अपने आप को दबाना है और गैस पे काबू पाना है। मेरे को की कोना चाहते हैं जी। समिया की बारी, ये इसका मजा आया है। अच्छा समिया, आपके लिए ये है कि आप एक न्यूज चैनल की न्यूज कास्टर है, मारे गए। अच्छा, और आपको जो आजकल की मुलाकात से जो हमारा स्टाइल चल रहा है न्यूज कास्टिंग का, उसमें कुछ तीन ब्रेकिंग न्यूज सुनानी है। देखो यार, कितनी बड़ी तुम लोगों की फील्ड है कि मैं अपने आप को निकम्मा महसूस कर रही हूँ। आपके सामने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हैं, बहुत देर के बाद आप अपने आप को पहचानी है। ये बोले हम में से कोई नहीं, गए तो मैं तो इसमें सभी नहीं। यार मुझे कोई आसान सा दे दो, ये न्यूज एंकरिंग तो चीज है ना, इनको गैस वाला आप कुछ मजे का। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज आपने ये देनी है कि अब हमें दूरबीने लगा के चांद देखने की जरूरत नहीं है। अब लूनर कैलेंडर आ गया, अगले 5 साल का चांद हमें पता लग गया कब निकलेगा कब डूबेगा। बिल्कुल, अब आपको, अब किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तू की चांद चढ़ाया। कमाल की फील्ड है कि मैं चाह के भी सनसनी नहीं पैदा कर सकती। अच्छा चले, दस 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 दस, वो जो ये ब्रेकिंग के यूजिंग करके मुल्क की गैस आया कर रही है। आप प्लीज दस दस को कंट्रोल करें, यही कंट्रोल। एक सेकेंड, यही चीज में मेरी फरमाइश है। अच्छा मैं कहूँ के आपने आपने कुछ ब्रेकिंग न्यूज़, चले ठीक है। अच्छा, और इंटरव्यू में आप कर लूंगी। हाँ, मुनासिब है। मशाल, आप मेरी को एंकर। हाँ, मैं आपकी को एंकर। माय बैड, सॉरी। अच्छा, तो नाजरीन, खबर ये आई जाती है कि चांद देखने के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना आपको पता चलेगा कि ईद कब कैसे मनाई जाएगी, क्योंकि अगले 5 साल का कैलेंडर हमारी साइंस की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने निकाल लिया है। और मशाल, आप भी जानती होंगी कि ऐसी खबर अभी अभी आई है और काफी लोग नाराज हैं, काफी लोग खुश हैं। जी, जो लोग नाराज। मुझे बड़ा ऐसा हो गया, सो मुझे दोबारा वो टेम्पो में आने में टाइम लगेगा। सॉफ्ट बोल रही है, आई जाती है। क्यों उर्दू में न्यूज़ एंकरिंग नहीं करते? खबर आई जाती है, अभी आ रही है कि रुक गई खबर? आ रही हूं, आ रही हूं। अच्छा, इसी बात पे हमारे पास लाइन पे मौजूद है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्चुअली मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको कैसे आइडिया आया, आपने क्यों कहा कि आप जॉन्डिस सदा फवाद चौधरी? ये बोले जी, बद्दुआओं ने ये हल कर दिया, वैसे मैं अच्छा बोला था जी। तो मुझे बताएं कि आपने हमें, हम सबको बताएं इनफैक्ट, कि आपने क्यों कहा कि अब सिर्फ एक कैलेंडर बनेगा, अगले 5 साल तक आपने बता दिया ईद कब आएगी, रमजान कब आएगा। इसमें अगर कोई कमी पेशी हुई तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखिए जी, जिम्मेदार आप कैलेंडर के कागज को ठहराएंगे, जो कि नाकस बना होगा, उस पर आप सही तरीक नहीं नोट कर सकते। जो जी असल कैलेंडर होगा उसमें तरीके सही आएंगी। ये हमने मुल्क का खर्चा बचाया है, एक रात को चांद देखने पर मुल्क का 40 लाख रुपया खर्चा आता है, उसको रोकने के लिए हमने 5 साल की इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दी है। सामिया जी बोलती क्यों नहीं है? आप ही तो उस वक्त मेरे साथ थी जब मैंने ये कैलेंडर बनाया था। इस कैलेंडर में आपका हिस्सा इनका है जी, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपना हाथ दिखाए, मैं आपको कैलेंडर बना के दिखाई। तो यानी अब चांद आसमान में नहीं, चांद जेब में होगा। आपने चांद जेब में, रात तो चांद छत पे फिर रहा था। अब मेरी मासी का मुंडा टेलीफोन कहां से गया हुआ था, चांद छत पे चढ़ा हुआ था, मैंने रोका, मैं कहा चांद थल्ले उतरो, ये रोजे रहते ने। ये जो 40 लाख रुपए बचेंगे जी,
ये कहाँ जाएंगे? ये पहले जो बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? सॉरी माय बैड, उधर ही जाएंगे। अरे ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो मर्जी कहे, इस वक्त मेरे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे पास एक ब्रेक का टाइम हो गया है। आप कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद मैं और अली वापस आएंगे आपको ईद मुबारक के। वेलकम बैक। और अच्छा फिर समिया को आप कोई और सिनेरियो दें, ये तो आपने कर दी है। चलें समिया, ऐसा करते हैं कि ना आप हमें ये बताएं कि आज जैसे आप ईद मनाती हैं और जैसे बचपन में आप ईद मनाती थी, इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? यार बचपन में बटवे में पैसे आते थे, अब तो जोड़ना पड़ता है कि जो है ना ये पूरे महीने का बजट बनाना पड़ेगा, कितनी ईदियां। मैं तो लोगों से छुपती फिर रही होती हूँ कि जो लोगों को मिलने के लिए किसी को ना ही फालतू मिलना पड़ जाए, क्योंकि अब ईदी का मज़ा नहीं आता यार। सिर्फ एक मेरी माँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सिर्फ वो मुझे ईदी देती हैं, बाकी तो सिर्फ देनी ही पड़ती है। आज आप लग भी बहुत हसीन रही हैं, आपने बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, मुझे पता था आप मेरी तारीफ करेंगे जरूर। मुझे पता था कि आप जरूर पूरा नहीं, असल में अपने ब्रांड का मैंने सूट पहना हो ना, इसलिए मुझे वो लगना था। आपके सामने अपना कुर्ता पहन के बैठे, थैंक यू। अच्छा मैं तो इतना हैरान होता हूँ कि नए नोटों की कॉपियां ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं ईद से पहले और ईद वाले दिन। मतलब पैसे तो पैसे ही हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं, मुझे आप बेशक पुराना नोट दे दें, चलते हो भी जाना। नए नोट आने के बाद अच्छा लगता है ना, नए नोट देते हुए लेते हुए तो कड़क से जो होते हैं। अच्छा बच्चों पे ना एनवी फील हो रहा होता है, जो पर्स में यूं डाल के पैसे जो है वो अपने बच्चियां जो मैं देखती हूं इतनी प्यारी। बच्चे तो बेवकूफ होते हैं, 50 रुपए के नकली नोट अब नहीं लेते, अब बच्चे नहीं लेते, उनको 50 रुपए के नकली नोट ले आते हैं, इतने मिल जाते हैं। अच्छा तो आप लोग भी बताएं, क्योंकि मैं तो अब क्या बताऊं, मेरा तो अभी बचपन कल की बात है। मतलब मेरा चल रहा है कल की बात है, अभी मतलब परसों तो पैदा हुए हैं, खुसरे बधाई लेकर गए। अच्छा तो आपका जोड़ा बहुत हसीन, आपने चूड़ियां भी पहनी हुई हैं, तो बचपन में भी आप ऐसे ही तैयार होना पसंद करती थी? उस वक्त मजा आता था ना। मेरे दादा, मेरे अब्बू सात भाई और वो बहुत सारी बड़ी फैमिली होती थी, वो सत्ते पे सत्ता एक फिल्म याद है ना, तो मेरी माँ बड़ी थी, वो एग्जैक्टली वही माहौल होता था। माशाल्लाह सात भाई पंजाबी फिल्म दे विलन दे इन्ने पुत्र होंगे। तो हम लोग बहुत अरसे तक, मेरी दादी की जिंदगी अभी कुछ अरसे तक भी ईदें इकट्ठी हुआ करती थी, और दादा ने रवायत रखी होती थी कि तैयार हो गए फिर ईदी मिलना शुरू, और उस सीक्वेंस से ईदी मिला करती थी। अब मुझे बच्चों के लिए फील होता है मिशन कि अब वो उस तरह की फैमिली सिस्टम जब कम हो गए, बच्चों पता नहीं आइसोलेट हो गए, वो जो न्यूक्लियर यूनिट्स में अलग अलग से लोग रहते हैं, तो वो जो रिश्तों की खूबसूरती थी या वो जो मोहब्बत है, आज भी वही कॉन्फिडेंस वो बड़ों का दिया हुआ है जो हम जिंदगियों को सरवाइव कर रहे हैं, कि वो हम बड़े प्यारे जमाने में। बड़ी अच्छी बात है कि हम जो अपने रिश्ते मोहब्बतें थी ना वो खो बैठे, हमारे हमारे बच्चे हैं जो उनको नहीं पता चाचा क्या है, ताया से मोहब्बत है, फुफो आई है, आंटी आई है, क्योंकि टाइम ही शॉर्ट हो गया, आंटी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आगे बच्चों को मिल सके, अब बच्चों के पास भी इतना टाइम में बरकत लेके हो गई है जो और ये इस तरह की जो फेस्टिवल्स हैं वो तो उनका मकसद ही होता है ना कि हम अगर पूरा साल लोगों से या अपने रिश्तों से उस तरह से नहीं मिल पाते तो एटलीस्ट इस एक दिन जो है वो उन सब से मिलते हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि ये रिवायत अभी कायम है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिस तरह से नहीं मिलते। ये भी बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है, और ये इवेंट्स का फायदा यही है कि मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इससे एक बड़ा फायदा भी हुआ है कि वो लोग क्या कहेंगे इसे भी जान काफी हद तक छुट्टी जा रही है, क्योंकि ना आप मिलते हो ना आपको ये परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो खैर कहना है, और लोगों ने हर हाल में आप मिले या ना मिले लोगों का काम है कहना, सो और कुछ नहीं तो फेसबुक पे स्टेटस लग जाएगा, अब वहाँ पे बहुत लोग हैं कहने वाले। अच्छा बहुत मजा आया आप तीनों के साथ बात करके, सखाफत भाई आप, सामिया आप और मशल आप, हम लोग तो वैसे भी मिलते रहते हैं चैनल में, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अली आपको भी ईद मुबारक हो, आप सबको भी बहुत ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है मगर हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हमने जाते जाते भी आपके लिए एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमारे साथ हैं एक बहुत अच्छे गुलूकार जो हैं अमानत अली,
और वो जाते जाते हमें एक गाने से महसूस करते हुए जाएंगे। और अगर आपने ज्यादा कमेंट्स किए तो शायद हमें मरु वाला शो भी मिल जाए। आप प्लीज हाउस बैंड का शुक्रिया अदा करें और उसके बाद हम अमानत से आखिरी गाना सुने और फिर हम टाटा कर दें। और ये प्रोडक्शन जो है काफी लोगों की मेहनत के साथ मिलकर बनी है, सेट डिजाइनर फरीद नसीम के साथ और हाउस बैंड के साथ, जो असद अली हैं जो कीबोर्ड पे हैं, मोहम्मद आसिफ जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट पे हैं, जीशान अली जो ढोलक पे हैं, मेहदी रजा हारमोनियम पे और गुट्टू जो है बेस गिटार पे, और जाहिर है हमारे गुलुकार अमानत अली जो भी हमें गाने से महसूस भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ रहने का और हमारे मेहमानों का, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।